एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास दो बैल थे जिन पर वह सामान लादकर दूसरे गांवों में बेचा करता था। एक दिन वह उन बैलों पर सामान लादकर बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था, पर उनमें से एक बैल बहुत बीमार था। पर व्यापारी को यह बात पता नहीं थी। बीमार बैल दूसरे बैल से कहता है, अरे भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी पीठ पर रखा एक बोरा गिरा देता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। हमारा मालिक वह बोरा तुम्हारी पीठ पर रख देगा और मेरा कुछ भार कम हो जाएगा। बैल फिर कहता है, मैं तुम्हारा भार ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार है? मैं बस अपने हिस्से का भार ही उठाऊंगा। यह सुनकर बीमार बैल चुप हो गया, लेकिन उसकी तबीयत अधिक खराब हो रही थी। रास्ते में चलते समय एक पत्थर से ठोकर खाकर वह गड्ढे में लुढ़क कर गिर गया और उसकी मौत हो गई। बैल के मरने के बाद व्यापारी ने बोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? व्यापारी थोड़ी देर सोचने के बाद उस बैल का बचा हुआ सामान भी दूसरे बैल पर लाद दिया और अब वह बैल मन ही मन पछताने लगा। यदि मैं अपने साथी की बात मानकर उसका एक बोरा अपने ऊपर रख लेता तो यह सब भार मुझे ना ढोना पड़ता। कहानी से सीख: संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है।